जो टेस्ट हुआ था उसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज मिरर नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कौन से मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, तो हम लोग डिस्कस किए थे कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। दूसरा है डैश मिरर फॉर्म रियल एंड सेम साइज इमेज, ठीक है, तो इसमें तुम लोग गलती किए क्या हो, रियल है ठीक है और सेम साइज है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर डाले हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेन गलत होगा इसलिए क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यहाँ पे भी हम लोग का कैंसर होगा कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा छोटा बनाता है, तो सेम साइज का बात कर रहा है, इसलिए कन्फ्यूज करने के लिए सेम साइज देते ताकि तुम लोग प्लेन मिरर मार दो, है ना, इसलिए प्लेन मिरर तुम लोग मारा है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसके बाद कलेक्टिंग सेवन डिफरेंट कलर ऑन फिल्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। फ्रिज में रख करके बीच में व्हाइट लाइट को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब सेपरेट जब होगा, मान लो कि यहाँ पे एक फिल्म रखती है पर्दा, अब उसके ऊपर जब आएगा तो सब अलग अलग लेंथ पर आएगा, क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है ठीक है वो ऊपर रहेगा, जिसका वेवलेंथ कम है वो नीचे रहेगा, ठीक है। हम बताए थे ना कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का है और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वायलेट का है, तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग का वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो अरेंज होगा, और अरेंजमेंट के बाद क्या होगा, हम लोग को फिल्म पे सात कलर का वो फिल्म बनेगा, अगर उतारेंगे फिल्म पे स्क्रीन रख देंगे या फिल्म रख देंगे तो स्क्रीन पे सात कलर आएगा, ऑप्टेन होगा, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टेन करने के बाद कह रहा है कलेक्टिंग, मतलब कि ऑप्टेन करना है, तुमको उतारना है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। उसके बाद है डैश मिरर फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इसको भी कोई गलत किया है, ये क्वेश्चन भी कोई गलत किया है कि लेटरली इन्वर्टेड जो होता है कौन बनाता है, ये प्लेन मिरर बनाता है, इसको कोई कॉनकेव बताया है, तुम्हारा है क्या, इसका यही गलत बना है, यही है महान आत्मा, सोता सोता बनाया है कारे बच्चा। उसके बाद है सेक्शन बी, एक्सपेरिमेंट ऑफ सेवन कलर कौन किए थे, न्यूटन किए थे। उसके बाद ग्लास प्रिज्म हेल्प इन क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसके बाद लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद इन व्हीकल हेडलाइट, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, और रियर व्यू में यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। और ये रियर व्यू वाला क्वेश्चन तुम लोग बाइक वाला गलत बनाया, ये भी और भी कोई, कि हम लोग बाइक में इसलिए बनाते हैं क्योंकि बड़ा इमेज बनाता है बाइक के साइड में, आंसर देखो खोल करके कॉपी में यही लिखे हो ना, उसका आंसर छोटा बनाता है तभी तो हम लोग ज़्यादा एरिया तक देख पाएंगे, अगर बड़ा बना देगा तो पास में आ जाएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आ जाओ सेक्शन सी में, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल सिर्फ एक बार पढ़ देंगे यहाँ से, और डाटा फिर बोर्ड पर लिखवा देना, तुम लोग क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है, क्वेश्चन लिखवा दो और डाटा लिखवा देना। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, देखो कॉमन मिस्टेक तुम लोग क्या किया है, सब कुछ तो बना दिया है लेकिन प्रॉपर्टी लिखा ही नहीं, लास्ट में प्रॉपर्टी भी लिखना है कि इमेज कैसा है, ठीक है, तो उसमें तुमको लिखना पड़ेगा इमेज इज वर्चुअल, तो सिर्फ भी निकाल करके छोड़ दिया है। अब भी जब निकाला तो तुमको वहाँ लिखना पड़ेगा वी इज फॉर्म्ड कहाँ, मिरर के सामने कि मिरर के पीछे, प्लस माइनस आ रहा था ना, तो वहाँ से लिखना पड़ेगा ना कि मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर मिरर इमेज फॉर्म किया है ना, तो ये गड़बड़ हो रहा है तुम लोग का, प्रॉपर्टी लिख ही नहीं रहो, क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉपर्टी लिखने के लिए और तुम लोग छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, विच प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाइट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज, और ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तीन चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है, चलो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। रेंज में है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या करा, क्वेश्चन पढ़ो, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यू इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर, क्योंकि यू हमेशा हम लोग का क्या होता है माइनस में जाता है, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव, ये भी अगर मन करे तो लिख लेना ताकि तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और क्या कह रहा है, विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर, अगर बात करें इमेज का हाइट ऑफ इमेज कितना, 4.5 सेंटीमीटर, अब यहाँ से निकालना क्या है, वी इज इक्वल टू व्हाट, फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू व्हाट,
और कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो डाटा दिया हुआ है उससे हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग मिरर फॉर्मूला पहले नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अननोन दो दो है, भी है और एफ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग का है और हाइट ऑफ इमेज 4.5 डिवाइडेड बाई 3, दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाए तो गुना में हम लोग 10 कर देते हैं, गुना नहीं करना कभी भी, तुम लोग क्या किया है गुना कर दिया है। 15 दिया 45, ठीक है 15, अब ये कटेगा 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 3 बार में, 5 के टेबल में, 2 बार में, 1.5 में क्यों, ऐसे ही छोड़ दो ना इसको, हम लोग का एम आ गया क्या 1.5 भी कर सकते हो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में देखना है, यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, तो एम इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 1.5 या फिर 3/2। अब यहाँ से m आ गया है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। दूसरा फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो हम लोग को वी नहीं पता है, u पता है, और अब मैग्निफिकेशन ही पता चल गया है ना, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू डाल दो 3/2 इज इक्वल टू माइनस रहने दो, और वी का वी डालो, और u का कितना वैल्यू, यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -8, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 24 और 2v इज इक्वल टू 24 और v इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 12 है ना, v क्या आया है पॉजिटिव में 12, मतलब कि कहाँ ही है मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज वाला कंडीशन हो गया। अब यहाँ से v आ गया तो हम लोग f भी निकाल सकते हैं है ना, मिरर फार्मूला लगा करके 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फार्मूला है। अब v का वैल्यू हम लोग को पता है 1/12 प्लस u का वैल्यू है 1/ -8 इज इक्वल टू 1/f, ये हो गया हम लोग का मिरर फार्मूला से। अब देखो डिनोमीटर में माइनस नहीं रह सकता है, इसको ऊपर भेजेंगे 1/12 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हम लोग का कितना जाएगा 24, ठीक है 24, 12 के टेबल में 2 बार में 24 और 8 के टेबल में 3 बार में माइनस डाल देते हैं, यहाँ पे 3 बार में 24 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग जो डाटा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही लिखेंगे है ना, इसको छोड़ना नहीं, ये भी छोटा प्रिंस तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये -1/24 हो गया इज इक्वल टू 1/f, अगर f लिखना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा -24 हम लोग का आंसर, फोकल लेंथ कितना हो गया -24, ये हो गया हम लोग का क्या सेंटीमीटर। अब यहाँ से डाटा लिखना है तो डाटा में हम लोग क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 1.5, इससे क्या पता चल रहा है, m इज इक्वल टू 1.5 इससे पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है साइज से इमेज बड़ा बन रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा में क्या है, वी प्लस में आ रहा है, वी प्लस में आने का मतलब क्या, वी प्लस में कब आएगा, ये हम लोग का ये था क्या कहते हैं इसको, इस तरह से था ना, जहाँ से टकराया उसके राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, तो भी हम लोग का इधर कहीं बन रहा है ना भी, ये तो मिरर के पीछे बन रहा है, कौन के मिरर में, तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल काल्पनिक है, मिरर के पीछे बन रहा है, और क्या बन, और क्या रहा है, और कुछ इसमें, रियल हो गया वर्चुअल हो गया, इरेक्ट बन रहा है ऊपर की तरफ, पीछे जब बनता है तो हम लोग देखे हैं इरेक्ट बनता है, तो ये सब भी लिखना था तुमको, ये सब छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद इमेज भी बनाना था इसका, इमेज थोड़ा सा अगर बात करें तो डाटा सब यहीं पे है, और थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें पोल डाल देंगे, यू छोड़ दो, यहाँ पे एफ हम लोग का आया है 24, तो एफ को कर देते हैं 24, तो ये होगा 48, और इमेज कितना पे बन रहा है, पीछे में बन रहा है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ कहाँ पे, 8 पे, तो ये जब 24 है तो ऑब्जेक्ट यहीं कहीं पर रखाएगा। ठीक है, ये वाला इमेज आ रहा है ना, याद आ रहा है, सबसे लास्ट 6 नंबर इमेज, इसमें पहला पैरेलल नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि ऑपेक ऑब्जेक्ट है, काट देगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलेंगे, ये जाएगा डॉटेड डॉटेड लाइन में पीछे की तरफ से ऐसे। ठीक है, दूसरा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के चले ऐसे, यहाँ से ये भी डॉटेड लाइन में जाएगा, और जा करके पीछे बना दिया इमेज, यही हम लोग का इमेज होता, पहला क्वेश्चन यही था हम लोग का, इतना करना था। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज कॉनकेव मिरर, यहाँ पे भी मिरर कैसा है, कॉनकेव है, तो कह रहा है कि एक लार्ज कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5 मीटर है
एक आदमी है जो खड़ा है 10 मीटर मिरर के सामने, मतलब क्या u बताना चाह रहा है कि u कितना है, 10 मीटर है। वेयर इज द पर्सन इमेज, तो v बताइए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, मिरर कॉनकेव है। r कितना कह रहा है, 1.5। ठीक है, और कुछ दिया है, u दे रखा है, u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर के मीटर, मीटर सब मीटर में है ना। अब r इज इक्वल टू 1.5 तो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं r बटा में 2। तो r को लिख दें 1.5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 कर देते हैं और गुना 2 से कर देते हैं, है ना, आधा हो गया। इसको काट दिए 5 के टेबल में 3 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, गुने 2, तो ये हम लोग का f कितना हो गया, 3/4। अब मिरर फॉर्मूला से, क्योंकि हम लोग को सिर्फ भी पूछ रहा है, भी क्या है और कुछ नहीं पूछ रहा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, 2-3 नंबर का आएगा एग्जाम में आएगा, तो 5 नंबर में नहीं आएगा ये। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, हम लोग को f पता है, u पता है, v निकाल लेंगे। 1/v इज इक्वल टू, सॉरी, u का वैल्यू है प्लस में 1/-10। यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करें ताकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो। अब देखो यहाँ पर ये f का वैल्यू है, f का वैल्यू है ना, पहले 1 लिखेंगे और f का वैल्यू डालेंगे 3/4। अब क्या बोले, डबल डिफरेंशिएशन नहीं होता, तुम लोग क्या किया है, इसको ये नहीं लिख करके लिख दिया है 1.5 और नीचे में 2 और इसी को f बना दिया है। अरे क्वेश्चन में 1/ f लिखना था, तुम लोग सीधे डायरेक्ट f लिख दिया है, किसका ये हुआ है गलती, तुम्हारा। ये क्लास में भी एक और बनाए थे, हमसे भी हो गया था गलती, फिर बाद में बनाए थे। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, इधर बात उतना ही करो बच्चा, क्या करता है, डबल डिवीजन में नहीं रहेगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो अब हम लोग का हो जाएगा 1/v - ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर उठ करके इसको माइनस कर देगा, 1/10 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, 1/v इज इक्वल टू 4/3 प्लस में 1/10, इसका एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 30 डाल देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का कितना, एक सेकेंड, 1/4 है ये, माइनस में आ गया, अब इसको माइनस में रहने दो, 1/v इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -40, तब -40 प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा, तो अब हम लोग का हो जाएगा -37 डिवाइडेड बाई 30 और v इज इक्वल टू -30/37। अब इसको काट दो, जो आंसर आएगा वही हम लोग का सेंटीमीटर, जो मीटर में है, मीटर में आएगा, है ना, मीटर में चल। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब u दे दिया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर नाम बदल दिया, कन्वर्जिंग किसको कहते हैं, कॉनकेव को कहते हैं, ठीक है। मिरर ऑफ फोकल लेंथ, सब कुछ तो ही दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सा सब कुछ डाटा दे दिया है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन प्लेस्ड कहने का मतलब है भी निकालने के लिए बात कर रहा है, भी कहाँ पे बनेगा, है ना। टू गेट द शार्प इमेज ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, साइज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन, सॉरी एच आई निकालने के लिए कह रहा है। चलो इसको मूव करते हैं, देखते हैं बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला मिरर है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू व्हाट और h i इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को h i h o नहीं पता है, मिरर फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन हम लोग का निकल जाएगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डाटा हम लोग साइन के साथ, यहाँ पे जब भी डाटा लिखना तो साइन के साथ लिखना, साइन नहीं लिखा है प्रिंस तुम किसी में, इसलिए गड़बड़ हो गया, फिर जब यहाँ से उठा कर रखोगे तुम भूल जाओगे, तुमको लगेगा कि हम बना लेंगे वहाँ लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लोगे ना तो चांसेस तुम्हारा मिनिमाइज, 99% तुम्हारा गलती होने से बच जाओ, ठीक है। भी निकालना है तो भी को इधर रख करके बाकी सबको उधर भेज देंगे, बाकी डाटा यहाँ पे लिखो, प्लस में 1/-20 इज इक्वल टू 1/-15, ठीक है, 1/v - 1/20 इज इक्वल टू -1/15, 1/v इसको इधर रख लेते हैं बाकी उधर भेज लेंगे, -1/15 प्लस में 1/20, इसका एलसीएम कितना होगा, 5 अगर दोनों से निकाल लेंगे, 5 × 15 5×20 4 × 12 12×5 60 इसका एलसीएम हो गया, और 15 × 60 -4 प्लस में 3
ठीक है, 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस 1 बटा में 60 और वी इज इक्वल टू माइनस 60। अब वी माइनस आ रहा है, इसका मतलब मिरर के सामने बन रहा है ये इमेज कैसा, रियल इमेज, ठीक है। यहीं पर लिख देंगे द रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने रियल इमेज बना है कितना दूरी पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये डाटा तुमको लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखा रहता है क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताएं, तो जैसे ही प्रॉपर्टी दे देगा तुमको बनाने के बाद लिखना पड़ेगा। और जब भी आए तुम्हारा कोई वैल्यू ना, तो उसको ऐसे बॉक्स में डाल दो, हाईलाइटेड रहता है ऐसे घेर दो, जो हाईलाइटेड हाईलाइटेड चीज़ है ना उसको बॉक्स करने का कोशिश करो। पूरा टाइम लो, एक घंटा का टेस्ट है, एक घंटा ही में दो, है ना। ऐसा नहीं कि पहले लिख करके भाग गए, क्वेश्चन पहले पूरा बना लो, उसके बाद उसको देखो कहीं छूटा उठा तो नहीं, है ना। अगर सब कुछ हो गया, बहुत टाइम बचा हुआ है, कॉपी सजाना शुरू करो, है ना, उस पर भी नंबर आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को निकल गया भी, भी पता चल रहा है कि माइनस है। अब यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल लें, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू माइनस बाहर में और भी बटा में यू, साइन के साथ जाएगा अंदर, है ना। यहाँ पे हम लोग को पता है एम इज इक्वल टू कुछ नहीं अभी मालूम है, यू का पता है क्या है, माइनस को रहने दो, यू हम लोग का पता नहीं है, भी पता है माइनस 60, यू अभी नीचे यहाँ पे है माइनस 20, काट दो इसको, 0-0 हो गया तीन बार में। m इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, m माइनस 3 आया, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका तीन गुना बड़ा इमेज बना है, लेकिन m क्या है, माइनस में है। यहाँ पे m माइनस कहने का मतलब है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखे है, उसका इमेज नीचे की तरफ बन रहा है। मैग्नीफिकेशन के पास प्लस माइनस होने का मतलब क्या है कि नीचे इमेज बन रहा है। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस है तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। दो बात ध्यान देना, यहाँ माइनस है इसका मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है इमेज, और मैग्नीफिकेशन में प्लस माइनस का मतलब है अगर प्लस आता तो इसका मतलब कि इधर बन रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है। यहाँ माइनस आया मतलब कि पॉजिटिव इमेज है, तीन गुना बड़ा है। यहाँ माइनस का मतलब ये मत समझ लेना कि छोटा इमेज है, इसका छोटा बड़ा से मतलब नहीं, बड़ा छोटा ये बताता है, एक है इसका मतलब बराबर साइज का है, एक से छोटा है मतलब छोटा इमेज बना है, और एक से ये बड़ा है मतलब तीन गुना बड़ा इमेज बना है। लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना रहा है इमेज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आ गया मैग्नीफिकेशन माइनस 3। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं माइनस 3 एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा माइनस 3 रख देते हैं एम के जगह पे, हाइट ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को दे रखा था, ये हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं 5। और हाइट ऑफ इमेज हम लोग का यहाँ से हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, तो आ गया हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी आ रहा है माइनस, इसका मतलब क्या, ये भी निगेटिव में है, तो दोनों रिलेशन कर रहा है ना सही। हाइट नीचे आया तभी तो यहाँ माइनस आया, क्या बोले थे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस, साइन कन्वेंशन में बताए थे ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन में दम था, बताओ कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब में गलती कर रहा है। थोड़ा सा बस अपने आप को संभालो, दिमाग को ना, अगर तुम्हारा दिमाग भटकता है इधर उधर पढ़ते समय तो लिखने का आदत डालो, है ना। लिखो, सिर्फ मोटा सा कॉपी ले लो और लिखते रहो, लिखते समय दिमाग बहुत फोकस रहता है, धीरे धीरे भटकने वाला था तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। और जितना दिमाग तुम्हारा फोकस रहेगा ना, उतना ही चीज़ बहुत अच्छा से समझ सकते हो। इधर हम पलटे नहीं कि फोकस ख़त्म नहीं, ऐसा ही ना होता है, तो लगता है कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फालतू में भी कुछ भी लिखना शुरू कर दो, है ना। कार्डबोर्ड वर्डबोर्ड खरीद लो, नहीं तो कॉपी खरीदो एगो सस्ता वाला और लिखो रोज़ 4-5 पेज लिखो, उससे ना फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज एज अ रियर व्यू ऑफ मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर का यूज हो रहा है रियर व्यू में, तो ये है हम लोग का कन्वेक्स मिरर जिसका यूज किया हम लोग बाइक के साइड में, क्योंकि ये छोटा इमेज बनाता है। अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो घूमते घूमते आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 2 मीटर का है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का है। एक ट्रक किसके पास आ रहा है, वो कितना दूर पे है, 3.5, तो u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.5, और r दे रखा है, तो f इजिकल टू हम लोग को निकालना पड़ेगा r बाई 2 करके। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट करें पोजीशन, तो भी निकालना है। उसके बाद कह रहा है साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, तुमको सिर्फ स्टेटमेंट में बताना है, hi नहीं निकालना है, क्योंकि हाइट नहीं बताया ट्रक का कि हाइट कितना है, तो हम लोग को स्टेटमेंट में बताना है कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के सामने कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो कैसा बनता है,
छोटा बनता है, तो यहाँ पे सीधे दूसरा क्वेश्चन का तो ऐसा ही आंसर मिल गया कि छोटा बनेगा, छोटा लिख देंगे, ठीक है। और नेचर बताना है, नेचर कैसा बनेगा, तो बनेगा वर्चुअल क्योंकि पीछे बन रहा है, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ निकालना, अगर बात करें तो क्वेश्चन में एक ही चीज़ है, भी निकालना है, बाकी सब अगर तुमको प्रॉपर्टी पता है कि कैसे बनता है तो बन जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी सा। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। उसके बाद आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू 2 मीटर सेंटीमीटर मीटर, और यू इज इक्वल टू 3.5 मीटर माइनस, हाँ वही जो भी है माइनस। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ से आर को, हम लोग एफ इजिकल टू आर बाई टू से निकाल लेंगे, ये हो गया 2 बटा में 2 और 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू दे रखा है, एफ दे रखा है, भी निकाल लेंगे 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। भी का वैल्यू निकालना है, भी को इधर रख करके बाकी सबको उधर भेज देंगे। यू का वैल्यू है दिया हुआ प्लस में 1 बटा में माइनस 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, इस 10 को उठा करके ऊपर रख देंगे, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कर देंगे, कॉन्वेक्स मिरर है तो हम लोग का एफ प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, टकराएगा, ऐसा जाता हुआ फील होगा, और एफ हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों अंदर की तरफ होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसका देखो, इसको करते हैं सॉल्व, कितना आया था 2 बटा में 7 आया था, इजिकल टू 1 बटा में 1 प्लस में 2 बटा में 7, और इसको सॉल्व करने के बाद 1 बाई वी इजिकल टू 7, ये हो गया हम लोग का 7 प्लस 2, और वी इजिकल टू हो जाएगा 1 बाई वी इजिकल टू हो जाएगा 9 बटा में 7, और वी इजिकल टू हो जाएगा 7 बटा में 9 मीटर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें सबका गलत हुआ है ना, 5 क्वेश्चन में कन्वर्जन में दिक्कत हुआ है, कन्वर्ट करने में। चलो देखते हैं, ये पूरा जो दिए हैं न्यूमेरिकल जहाँ से, उसका पूरा का पूरा दे दिए हैं ग्रुप में, टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी, पूरा क्वेश्चन बना लेना। लगभग हमको लगता है कि लेंस उन सब का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब का क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मिरर को ध्यान से देखना है, कॉनकेव मिरर बना रहा है 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, 2.5 मिलीमीटर टॉल, प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर टॉल प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो पोजीशन बनाना बताना है, मतलब भी बताना है और फोकल लेंथ बताना है। चलो देखते हैं आगे। मिरर सबसे पहला कौन है, कॉनकेव है, जो भी डाटा होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा, प्लस माइनस वी यू एफ, ठीक है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है ना, हाइट ऑफ इमेज है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 2.5 मिलीमीटर का है, ठीक है, मिलीमीटर का है, और इसी को कन्वर्ट करने में हुआ है गड़बड़। और क्या कह रहा है, यू इजकल टू, यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर यू जो भी है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग को 3 ही डाटा है निकालने के लिए, कह रहा है भी इजिकल टू वाट, एफ इजिकल टू वाट, ठीक है, एफ निकालना है और भी निकालना है, तो अप्रोच करने के लिए हम लोग के पास इतना ही डाटा है, इतना ही डाटा से निकालना पड़ेगा। तो दिख रहा है साफ साफ, 2 चीज़ दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन। उसके पहले लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करो, देखो अगर हम लोग को याद है डेसी, ठीक है, क्या क्या दिए थे, डेसी सेंटी मिली, याद है ये वाला, डेसी का मतलब 10^1 माइनस में, सेंटी का मतलब 10^-2, और मिली का मतलब 10^-3, और ये सब किस में आता है, मीटर में। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो में भी बनाया हुआ है, अब मीटर में आ रहा है, कह रहा है कि अगर कहीं पर डेसी लिखा हुआ है तो वो क्या है, माइनस वन लिखने का मतलब क्या, 1/10, सेंटी का मतलब 1/100, और मिली का मतलब 1/1000, ठीक है, 1000। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसमें 2 जीरो और इसका 2 जीरो, ख़त्म हो जाएगा, एक ही जीरो बचेगा ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है
10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर हो गया, तो यहाँ पे अगर मिलीमीटर में दिया है इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं से हम लोग का क्वेश्चन अब दिक्कत नहीं करेगा। अब मैग्नीफिकेशन इजकल टू होता है एच आई बटा में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वैल्यू पुट करते हैं, एम इजिकल टू हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.525 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पे पुट नहीं करना है लास्ट में हम लोग। अब देखो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जा करके हो जाएगा एम इजिकल टू यहाँ पे +4 आ रहा है, 25 चको 100 चार आ गया, प्लस में चार बताने का मतलब क्या है कि सबसे पहले चार है और प्लस है, दो अलग अलग चीज़ है, बताए थे ना यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ है ये। पहले तो +4 मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसका 4 गुना इमेज बन रहा है, ठीक है, 4 गुना बन रहा है। और प्लस में कहने का मतलब है कि क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल क्यों, प्लस मैग्निफिकेशन तुम्हारा कब होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बस एक ही कंडीशन है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे जाकर के एलर का क्या कर रहा है, इधर बनता है ना प्लस में, तो ये प्लस कहने का मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है ना। यहाँ अगर माइनस होता है इसका मतलब नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। अभी बताया थोड़ी देर पहले ना, मैग्निफिकेशन में जो प्लस माइनस उसका मतलब क्या होता है, और यू वी एफ के आगे प्लस माइनस उसका मतलब क्या है, बस ये समझ में आ गया ना, तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एम निकाल लिए। अब एम निकाल लिए तो अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, एम इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, वी बटा में यू, याद रखना वी यू का अपना साइन होता है, वो अपना साइन लेकर के आएगा, ठीक है, बाद में ये गुना में माइनस है, ठीक है। एम का वैल्यू है प्लस में 4, भी का वैल्यू हमको नहीं पता लेकिन यू का वैल्यू पता है, माइनस में रख दो, भी तो निकालना ही है, और यू का वैल्यू कितना है -5, 5 से 5 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 करें, माइनस से माइनस खत्म। भी का वैल्यू 5 × 4 = 20 क्या मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, और ये क्या में आ गया प्लस में, भी प्लस में बताने का मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर के पीछे ही बन रहा है, सब सेटिस्फाई कर रहा है डाटा। जैसे ही तुम्हारा डाटा एक दो को भी गड़बड़ हुआ, समझ लो कि गड़बड़ बन रहा है, सब जब भी बनाते जाना डाटा मिलाते जाना, तुम्हारा न्यूमेरिकल चेक कर सकते हो मन ही में कि मेरा डाटा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे प्लस आ गया तो इमेज बताने कि यहाँ पे बनना चाहिए, और यहाँ भी प्लस आ रहा है मतलब भी पीछे बन रहा है, मतलब दोनों का दोनों चीज़ सही बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ सही जा रहा हो। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है इमेज। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट बचा 6 नंबर, साल बस समय खुद को दे दो, लाइफ में बहुत लोगों से आगे निकल जाओ, है ना, सब कुछ भूल करके एकदम 1 साल अपने आप को दे दो। हम निकाल लो बढ़िया सा डायरी, सुंदर गोल्ड प्लेटेड, उस पर लिख लो अपना कमी और सबको ख़त्म करो। चलो लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बच्चा एक तीर है जो कि 2.5 सेंटीमीटर हाइट है उसका तीर का, उसको रखा गया है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, जो कि छोटा इमेज बनाता है ना। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे डाटा दिमाग में आना शुरू हो जाना चाहिए, है ना। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मिरर का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर बताना है तुमको, रियल वर्चुअल बताना पड़ेगा, पोजीशन तो हम लोग भी बता ही देंगे, उसके बाद साइज बताना है, तो साइज हम लोग का क्या होगा, छोटा होगा। मिरर सबसे पहले हम लोग को पता है कॉन्वेक्स है, क्योंकि कह रहा है कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब इसमें यू निगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, है ना, यू निगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, क्योंकि इमेज भी ऊपर ही बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। चलो डाटा लिखवाओ, क्या क्या दिया है, एरो का पहले दिया है साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया 2.5 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है एच आई, नहीं दिया है यू इजिकल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, और एफ इजिकल टू प्लस में 20 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ अंदर की तरफ है, तो अंदर में जो है वो क्या है, साइन कन्वेंशन से प्लस में। चलो अब डाटा हम लोग का यू है, एफ पता है, भी निकाल लेंगे मिरर फॉर्मूला से, 1/v + 1/u = 1/f। आगे देखते हैं, भी हम लोग को निकालना है, यू हम लोग का दे रखा है -f = 1/20,
वन बाई वी इज इक्वल टू उधर भेज देंगे, वन बटा में बीस प्लस में वन बटा में पच्चीस। अब देखो पाँच से अगर डिवाइड करेंगे पाँचों को बीस, पच पचे पच्चीस, बीस बीस और बीस पचे सौ, ज़्यादा हो जाएगा सौ। ठीक है, कैसे किए, इसका कॉमन डिफरेंस एच सी एफ निकाल लिए, उसके बाद कॉमन देखे है कि नहीं, पाँच इसका एच सी एफ हो गया, पाँच पचे पच्चीस, पाँचों को बीस, और दोनों में कॉमन नहीं है तो पाँचों को बीस और बीस पचे सौ, एच सी एफ को गुना कर दिया, आ गया हम लोग का एलसीएम। बीस के टेबल में पाँच बार में सौ और पच्चीस के टेबल में चार बार में सौ, और वन बाई वी इजकल टू पाँच नौ, नौ बटा में सौ, और वी इजकल टू सौ बटा में नौ, 11.11 लाया है तुम लोग, हमको याद है आंसर, यहीं से काम चल जाता है। ये तो हम लोग का हो गया भी, भी मतलब क्या है, बन रहा है मिरर के सामने, प्लस में आ रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है 11.11 सेंटीमीटर पे। अब हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्नीफिकेशन इजकल टू हाइट ऑफ माइनस वी बटा में यू, साइन के साथ ये रहेगा, ब्रैकेट में नहीं भी दे सकते हो, एम इजकल टू माइनस ब्रैकेट में वी और यू डाटा के साथ जाएगा, है ना, साइन के साथ एम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे वी का वैल्यू हम लोग को पता है माइनस में 100 बटा में 9, और u नीचे में आएगा माइनस 25। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिए, ठीक है, और 25 का टेबल में चार बार में 100, तो m इजिकल टू हो गया 4 बटा में 9। अब m इसको यही रख लेते हैं ऐसे ही, और बाद में हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला है m इजिकल टू हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें पुट कर देंगे, m का वैल्यू 4 बटा में 9 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को दे रखा है 2.5, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग का 2.5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2.5 गुने 4 बटा में 9, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का टेबल में 5 5 25, 5 दुनी 10, और 2 का टेबल में 2 दुनी 4, 5 दुनी 10, एच आई इज इक्वल टू 10 बटा में 9, और इसको अगर तोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा एच आई इज इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर आंसर।